वैक्सीन का अमल पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके से चल रहा है, इस खबर से आपको रूबरू करवाएं, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले हम देख रहे थे कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वैक्सीन का अमल चलाया जा रहा था, लेकिन मरकजी वजीर सेहत और मरकजी हुकूमत की तरफ से अब यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि वैक्सीन कारी का अमल जो है वो 24 घंटे और 7 दिन यानी 24/7 शुरू किया गया है। और कोवैक्सीन जिसके लिए काफी कुछ बातें कही जा रही थी, उसकी तीसरी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन 81% कारामत साबित हुआ है। 81% वैक्सीन ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं और मरकजी हुकूमत ने अब यह साफ कर दिया है कि टाइम लिमिटेशन खत्म, क्योंकि बड़े पैमाने पर वैक्सीन कारी करनी है इसलिए 24/7 अब हर मरकज पर, यानी सरकारी मरकज हो या प्राइवेट इदारे हों, जिन्हें स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिन्हें रोप इन किया गया है वैक्सीन कारी के लिए, वहां पर 24/7 वैक्सीन कारी का अमल शुरू किया जाए। और आपको याद होगा कि पूरे मुल्क के अंदर दो वैक्सीन जिनको सबसे पहले मंजूरी दी गई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने तैयार की थी, इमरजेंसी में जब इनको अप्रूवल मिला हंगामी बुनियादों पर मुल्क के अंदर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी, तो उसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है जहां पर कोवैक्सीन के मुतल्लिक अब जानकारी खुद भारत बायोटेक की तरफ से दी गई है कि पूरा सर्वे बताता है वैक्सीन के इस अमल के दौरान 81% नतीजे जो मुस्बत साबित हुए हैं, मुअस्सर साबित हुई है ये वैक्सीन, किसी किस्म का नुकसान या नेगेटिव इंपैक्ट कहीं पर साइड इफेक्ट किसी भी मरीज पर नहीं पड़ा है। और बड़ी बात ये कि 16 जनवरी से अब तक जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन जिसका इस्तेमाल पूरे मुल्क के अंदर हुआ है उतनी ही शराब में हुआ है जितना कि कोविशील्ड नामी वैक्सीन मुल्क के अंदर इस्तेमाल की गई है। तीसरे फेज के अंदर भी मुल्क के अंदर 25,800 ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाया, जिनको प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अब ये वैक्सीन भी दी जाएगी, यानी कोवैक्सीन कोविशील्ड के साथ साथ। और दूसरी बड़ी बात कि जो टाइमिंग में चेंजेस की हैं उसके साथ साथ थर्ड फेज के अंदर अब तक पूरे मुल्क के अंदर वो लोग जिनकी 18 से 98 साल तक की उम्र थी 25,800 इनकी तादाद बनती है, 2,433 उन लोगों की तादाद बनती है जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और या फिर अगर किसी बीमारी में मुब्तला थे तो उन लोगों का भी रजिस्टर हुआ वैक्सीनेशन अब तक थर्ड फेज में जिनका हो चुका है। सिर्फ ये वैक्सीन जो कोवैक्सीन जिसके 81% नतीज मुअस्सर साबित हुए हैं, इसी वैक्सीन के मुताबिक आपको ये आदादोशुमार बता रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात कि 16 जनवरी से अब तक यानी तकरीबन 1.5 महीनों के दौरान इस वैक्सीन के जो पूरे मुल्क के अंदर 1,56,00,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, 50% के करीब ऐसे लोग हैं जिनने भारत बायोटेक की ये वैक्सीन ली है, यानी जितनी कोविशील्ड ली गई जिसका ट्रायल बेसिस पे और उसके बाद सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था और उतना ही इस्तेमाल अब तक इस वैक्सीन का भी पूरे मुल्क के अंदर। कुल मिलाकर हम ये देखें कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को फिलहाल वैक्सीन कारी का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया और अब मरकजी हुकूमत ने दायरा जो है उसको और मजीद वसी कर दिया है। 24/7 वैक्सीन कारी का अमल चलेगा और आज मनोज सिन्हा साहब जम्मू के अंदर वैक्सीन लगाएंगे, यानी कोविड जो लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वजीर अजम के बाद छोटे बड़े लीडर्स लगातार वैक्सीन लगा रहे हैं, आज मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो है वो आज जम्मू के अंदर अपना वैक्सीन लगाएंगे और उन्हें बाजाबता तौर पर रजिस्ट्री करने के बाद आज वो अपना वैक्सीन लगाएंगे। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर वैक्सीन लगाया था जिसके बाद काफी अच्छे नतीजे आसपास देखने को मिले थे और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर वैक्सीन लगा देंगे जम्मू के अंदर, ये भी एक खबर जो है वो डेवलप हो रही है। और कुल मिलाकर वैक्सीन जो कोवैक्सीन है 81% उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आया है, यानी इस वायरस से लड़ने के लिए 81% पॉजिटिव रिजल्ट उसका आया है और लगातार तीसरे ट्रायल के अंदर ये कामयाब तजुर्बा जो है वो माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल वैक्सीन कारी का अमल जारी है और अब सरकार ने इसमें नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है जो हमने आपको बता दिया कि अब 24/7 वैक्सीन होगा सरकार के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर भी, इसको कर दिया गया है।